हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। तो देखिए, मैं और दीसु के पापा, ये सैटरडे का ब्लॉग है। तो क्लिनिक गए थे, तो ये मैं डॉक्टर का वेट कर रही हूँ। तो डॉक्टर आने में थोड़ी देर थी, तो ये देखिए बाहर से क्लिनिक इस तरीके का दिखता है। तो चलिए थोड़ी ब्लॉगिंग देख लीजिए दीसु की। मैं झाड़ू आज नहीं लगाऊंगी, आज मेरी मम्मी लगा रही है। वो तो मेरी मम्मी ही लगा रही है। तो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स देखिए, दीसु किस तरीके से ब्लॉगिंग कर रही है। तो उसी ने ये वीडियो शूट की है, तो मुझे नहीं पता था कि वो वीडियो शूट कर रही है, क्योंकि मुझे लगता था कि उसे नहीं आता वीडियो किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। तो खाली फ़ोटो खींचना तो उसे आता है, तो आज पता चला कि उसे आता है वीडियो भी रिकॉर्ड करना। तो आज संडे का दिन था और 2-3 दिन से बारिश दे रही है ना, तो पूरा आंगन में पत्ते पूरे बिखरे हुए थे। तो ये मैं लेफ्ट हैंड से झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि राइट हैंड मेरा अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है। तो ये हल्का हल्का धीरे धीरे करके झाड़ू लगा रही हूँ, बहुत ही टाइम लग गया। तो आज ना संडे है, फिर भी दीसु के पापा के ऑफिस में काम था ना, तो फ़ोन आ गया था, तो वो चले गए थे ऑफिस, नहीं तो वही कर देते ये। तो दीशु ने देखिए सूट किया है पूरा। फ्रेंड्स पीछे देखिए कपड़े हैं, मैं अभी ठीक करूँगी। पहले मैंने सोचा कि बोल देती हूँ, मैं कल डॉक्टर के पास गई थी, तो फिजियोथेरेपिस्ट है ना, तो वहीं पर, तो उन्होंने देखकर बोला कि कुछ ऐसा सीरियस नहीं है, बस जो मेरा हुआ है ना, तो उसे मैं दोनों जो ये जॉइंट है ना, इन दोनों यहाँ पर जो हड्डी रहती है मेन, तो उन दोनों के बीच में ना कुछ आ गया है, मतलब वो उसके लिए उन्होंने मुझे 3 थेरेपी दी है। तो एक एक्सरसाइज है और 2 है, तो एक एक मशीन से वो, हाँ, शॉक देते हैं एक, और एक मशीन से ही वो मसाज कर देते हैं इस जगह पर। तो ना कल शाम को मुझे थोड़ा ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा था, पर आज ना मुझे हाथ भी मेरा अच्छी तरीके से मूव हो रहा है, बहुत ही, पहले जो जैसा था ना कंडीशन, उससे तो अभी बेटर है। तो पर ये ना पूरी तरीके से नहीं हुआ है, तो खाना बनाने के टाइम लेफ्ट हाथ से ना राइट हैंड को पकड़ो, उसके बाद खाना बनाना पड़ता है। कुछ भी अगर मैं मिक्स करना चाहूँ, या तो फिर मैंने ना सोचा कि ऐसे रखने से अच्छा है हाथ को थोड़ा ना हिलाओ, तो मैंने आटा वगैरह, सब्जी वगैरह ये सब खुद ही कर रही हूँ मैं। तो लेफ्ट हैंड में लगता ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, मैं आराम से सब कुछ कर सकती थी, पर राइट हैंड में है ना, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो गई है काम करने में। फिर भी मुझे ना उस दिन से तो बहुत ही ज़्यादा आराम है आज। कल शाम को थोड़ा तेज हो गया था ना दर्द, बहुत ही ज़्यादा, बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी ऐसा हो गया था। मैडम मुझे पूछ रही थी ना डॉक्टर कि पेन किलर दूँ क्या, तो मैंने बोला नहीं नहीं मुझे पेन किलर नहीं चाहिए, ज़्यादा पेन किलर खाना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है ना मेरे सासू माँ भी खाती थी, कुछ भी हो जाए ना तो पेन किलर, तो मैं नहीं पेन किलर नहीं खाऊंगी बोला। तो डॉक्टर भी हंस रही थी, मैंने बोला नहीं मैं बर्दाश्त कर लूँगी ये दर्द, पर पेन किलर नहीं खाऊंगी, अच्छा नहीं है ना पेन किलर ज़्यादा खाना। हाँ अगर एकदम बर्दाश्त से बाहर है तो ले लेती, पर मैं बर्दाश्त कर सकूंगी दर्द हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया। दवाई एक भी नहीं दिया है मुझे, बस वो थेरेपी है, तो वही करूंगी। तो आशा करती हूँ जल्दी ठीक हो जाऊंगी और फिर मेरे पुराने ब्लॉग जैसे ब्लॉग बनाऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में।